मॉर्निंग एवरीवन। आस्था चिल्ड्रंस एकेडमी बिंदाइका की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों द्वारा एक स्क्रीन प्ले नुक्कड़ नाटक तैयार किया गया है जो सोशल अवेयरनेस सामाजिक जागरूकता पर आधारित है। आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधारकर इन बच्चों द्वारा किए गए इस प्रयास को और इनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य करें और अपना कीमती समय निकाल करके इस एक्ट को दें। धन्यवाद। अरे भैया, आज जहाँ देखो वहाँ स्वच्छता की बातें हो रही है, तो तुम्हें क्या लगता है ये स्वच्छता अभियान केवल मीडिया के लिए है? नहीं। तो क्या ये अभियान अखबारों के लिए है? नहीं। तो क्या ये अभियान सिर्फ हेडलाइंस के लिए है? नहीं। तो फिर ये स्वच्छता अभियान किस लिए है? जी हाँ दोस्तों, ये स्वच्छता अभियान हमारे देश और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए है। यह अभियान केवल एक दिन के लिए नहीं, हर रोज की जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है। क्या है? हर एक की जिम्मेदारी। ये तो हुई समझाने की बात, अब हकीकत में क्या होता है? अरे ये यहाँ क्या लिखा है? अरे ये सब कौन लिखता है? यहाँ थूकना मना है। ये देखो पान का कमाल, थूक थूक कर दिया ना लाल, यही है हमारे देश का हाल। अरे भाइयों, ये तो असभ्य लोग हैं, इनसे क्या ही उम्मीद रखना। तो तुम्हें क्या लगता है कि वे पढ़े लिखे लोगों की साफ सफाई कर सकते हैं? हम तो भेलूड़ी खा रहे थे, हम तो कचरा फैला रहे थे, रस्ते पे जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, कचरा फैला रहे थे। तुमको मिर्ची लगी तो हम क्या करें, तुमको मिर्ची लगी तो हम क्या करें। सरकार पर ही इल्जाम लगाते हैं और दूसरों को ही ब्लेम करते हैं। और हमने कभी खुद की गलती मानी है? बोला बताइए, हमने कभी खुद की गलती मानी है? नहीं। अरे ओ भैया, आपने कचरा कूड़ेदान में क्यों नहीं डाला? अरे क्या तुम इस शहर में नए हो, मुझे जानते नहीं क्या? वो नहीं जानू भैया। क्या मेरे अकेले के कूड़ेदान में कचरा डालने से फर्क पड़ेगा? देख लिया आप लोगों ने, क्या किसी एक व्यक्ति के कूड़ा कचरे दान में डालने से फर्क पड़ेगा? अरे वाह, यहाँ तो सस्ता अभियान चल रहा है। सच्ची मैं तो एक सेल्फी लूंगी, वैसे तो मुझे साफ सफाई से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक पोस्ट ही डाल देंगे। आओ एक सेल्फी लेते हैं। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी, हरी हरी सब्जी। अरे भैया, टमाटर क्या भाव दिए? 50 रुपए किलो। और भिंडी? 70 रुपए किलो। दोनों एक एक किलो पैक कर दो। लो। अरे भैया, हाथ में क्यों आपके पास थैली नहीं है क्या? आप मार्केट में आए हो, आपको थैला लेके आना चाहिए था। मैं क्या मार्केट में थैला लेकर घूमूंगी? आपको सब्जी थैली में देके मैं जेल नहीं जाना है, लेना हो तो लो वरना जाओ। रखो अपनी सब्जी अपने पास ही। अरे रुको दीदी, हमारे स्कूल के टीचर ने भी समझाया है, हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको तो पता।
प्लास्टिक का इस्तेमाल करके ऐसे ही सड़कों पे फेंक देते हैं, जिससे बारिश के टाइम पे नालियां जाम हो जाती है और इसे जलाने से वायु भी दूषित होता है। अच्छा हुआ दीदी आपने मुझे समझाया, माफ कीजिए भैया, आज से मैं जब भी मार्केट में आऊंगी थैला लेकर आऊंगी। अरे भैया ये तुम्हारे हाथ में क्या है? भाई मुझे प्रथम पुरस्कार मिला अच्छा काम करने के लिए। और के तो देखो क्या है इसके अंदर, भाई ये जिम्मेदारी मेरी नहीं सरकार की है, नगर पालिका की है, बड़े हैं मुझे समझाने वाले। कचरा ये तेरे पीछे, कचरा ये मेरे पीछे, बीमारियों ने ले ली सबकी जान, हाय रे मैं इससे परेशान। अरे अरे इतना सारा कचरा और इतने कम लोग, आओ मिलकर इस समस्या का समाधान करें। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। फैला सको तो प्यार फैलाओ, कचरा फैलाना मत सीखो। पर्यावरण का रखो ध्यान, जब ही बनेगा देश महान। धरती माता करे पुकार, अपना अपना करो सुधार। हम मिलकर कुछ काम करें, आओ थोड़ा श्रमदान करें। स्वच्छता का दीप जलाना है, चारों ओर प्रकाश फैलाना है। हम सबका एक किनारा, स्वच्छ रहे देश हमारा, स्वच्छ भारत जय भारत जय। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, काम की बातें अच्छी बातें सच्ची बातें सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, काम की बातें अच्छी बातें सच्ची बातें सुनो सुनो। कदम से कदम मिलाना है, सबको साक्षर बनाना है, सपना साकार कर दिखाना है, देश को भी आगे बढ़ाना है। हाँ हाँ देश को भी आगे बढ़ाना है। फूटे का ज्ञान अंकुर का, नील गगन पर से उठाना है, शिक्षा के अधिकार को हम सबको समझाना है। हाँ हाँ सबको समझाना है। बिना शिक्षा के जीवन ऐसा, बिना पंख के पक्षी जैसा, ज्ञान आशीष ऐसा मोती चुनकर लाना है, शिक्षा का दीप जलाना है। अरे कितना गीत गाओगे, कुछ काम की बातें भी करोगे या गीत ही गाते रहोगे? अरे भाई थोड़ा मजमा तो लगा ले, सबको बुला ले, रंग जमा ले और असली शिक्षा का मतलब तो समझा ले। सुनो भैया सुनो भाभी, सुनो काका सुनो काकी। अरे भाइयों सुना है देश की जनसंख्या लगभग 70% साक्षर हो चुकी है, फिर तुम क्यों नारे लगा रहे हो? हम नारे क्यों ना लगाए, जब तक देश का हर एक व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाता हम नारे लगाते रहेंगे। अरे भाइयों तुम दोनों पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो, सारा दिन बस मस्ती करते रहते हो। पढ़ना लिखना है सिरदर्दी, हमें तो करनी है मनमर्जी। और तुम्हारी क्या राय है? बिना पढ़े कितने काम, बिना आम गुठलियों के दाम। देखा आपने ये लोग तो पढ़ना ही नहीं चाहते। हाँ हाँ पढ़ना ही नहीं चाहते, ज्ञान का प्रकाश तो ये ढूंढना ही नहीं चाहते, इन्हें तो पढ़ाई का मतलब समझाना ही होगा। डाकिया आया डाकिया आया, चिट्ठी ले लो डाकिया आया। काका आपकी चिट्ठी आई है। लो बेटा रुको बेटा ये पढ़ के तो बता दो। अरे काका मुझे और भी काम है, मुझे और भी चिट्ठी बांटने जाना है, आप किसी और से पढ़वा लो। अरे काका आपको कौन चिट्ठी लिखने लगा? लो बेटा तुम ही पढ़ के बता दो कौन लिखा है। काका मैंने पढ़ लिखो हो ना। अरे यहाँ पे और कोई तो पढ़ा लिखा होगा। अरे बेटा तुम पढ़ दो। अरे बेटा तुम में से और कोई तो पढ़ दो। अरे बेटा यहाँ और कोई तो पढ़ा लिखा होगा।
अरे बेटा अब हमें इस उम्र में कौन पढ़ना लिखना सिखाएगा? आप पढ़ सकते हैं, सरकार ने गांव गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले, सुबह में काम करो शाम को पढ़ाई। अच्छा बेटा अब तो हम खूब पढ़ेंगे, जीतते रहो बेटा। अरे बेटा अब आप लोग स्कूल क्यों नहीं आते? ये उम्र तो पढ़ने लिखने की है, इस उम्र में आप लोग काम क्यों करते हो? हमारे मम्मी पापा ने पढ़ने लिखने के लिए मना किया है, उन्होंने कहा है कि घर पर रहके घर का काम करो, स्कूल जाने में कुछ नहीं रखा। अच्छा उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है तुम अपनी मम्मी को बुलाओ मैं उनसे बात करूंगी। मैडम आप अपने बच्चियों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? आपको तो पता ही है कि अब लड़कियां भी लड़कों से आगे पढ़ चुकी है, फिर भी आप उनको घर का काम क्यों करवाते हो? ये तो वैसे भी पढ़ने लिखने की उम्र है। ठीक है मैडम जी मैं समझ गई, कल से मैं टावर भी स्कूल आ जाऊंगा। अरे अरे भाइयों रुको, अभी एक जरूरी बात तो रह गई, कोरोना। आले भाया कोरोना तो कियो? अरे भाया कोड़े ही खुन गियो, अंडे ही छे बदे बो बेटे सर काको अबार लुकर बैठे छे, फोटो आवलो। हा 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 मैं हूँ कोरोना, मुझे दबाओगे मुझसे बचाओगे, मुल्क इंसानों मैं हूँ कोरोना, सबको मुझसे डरना होगा। पहले तो तुम्हें मास्क पहना, फिटनेस लिमिट लिए लगाया, अब ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट भी अपने साथ मिलाया। हा 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 मैं हूँ कोरोना। अरे कोरोना मैं तो बड़ी फिट एंड फाइन हूँ, योगा करती हूँ एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे तो कभी बुखार तक नहीं आया, कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे भाई मैं तो मजे में हूँ, ना खाने की चिंता ना बनाने की, भंडारे में खाती हूँ और आराम से सोती हूँ, कोरोना भाई तू तो यही रहे। अरे न जाने कहाँ से आए है, कौन देश की बीमारी है, कोरोना अब ओमिक्रॉन डेल्टा और ना जाने क्या क्या है, माता रानी आप ही बचाइए, जागरण करूंगा हलवा पूड़ी बाटों के माता दी। अरे भाई हमारे तो बड़े मजे हैं, ना स्कूल जाने की टेंशन, ना सुबह जल्दी उठकर रेडी होने की टेंशन, ऑनलाइन क्लास आती है मैडम एक दो बार बोलती है स्विच ऑन द वीडियो, हम तो आराम से खाते पीते और गेम्स खेलते और मजे करते हैं। अरे भाई मैं तो मास्क और सैनिटाइजर यूज करती हूँ, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोरोना, कितना है कोरोना मैं तो खेतों में रहती हूँ। अरे मेरा तो क्या है, मुझे तो दोस्तों से चैटिंग करनी है, पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई तो होती रहेगी। अरे बेटा ये आप गलत सोच रहे हो, तकनीकी की अच्छाइयाँ देखो ना कि बुराइयाँ, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, जो समय के साथ ना बदला वो तो गया काम से, महामारी की इस कठिन परिस्थिति में हमें संयम और सद्बुद्धि से काम लेना होगा, सारे नियमों का सावधानी से पालन करना होगा। हाथ नहीं मिलाना है, नमस्कार से ही काम। दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है जरूरी, किसी भी चीज को छूने के बाद सैनिटाइजर का उपयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, और हाँ जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन। हमने तो पोलियो को भी भगा दिया, डेंगू से भी लड़ लिए, अब इस महामारी को भगाएंगे। इंसान हो इंसानियत तो दिखानी होगी, अपने लिए नहीं सही अपनों के लिए आगे आना ही होगा, हमें एकजुट होकर लोगों को जगाना होगा और इस बीमारी को देश से भगाना होगा। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। सुना आप लोगों ने, बहुत छोटी छोटी बातें थी हमारे आसपास ही घटित होती हैं, केवल हमें उन्हें समझने की एहतियात और सावधानी अपनाने की आवश्यकता है। बच्चों के इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आपने जो अपना की इन बच्चों के एक्ट को दिया है, उसके लिए आस्था शिक्षा समिति की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद।